नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन दादरा और नगर हवेली का भारत में हुआ था विलय। दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय 11 अगस्त 1961 को हुआ था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन कर रही है। दादरा और नगर हवेली पर 1779 तक मराठाओं का और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य का शासन रहा। पुर्तगाल से इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद वरिष्ठ पंचायत प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, लेकिन 1989 में इसे भंग कर दिया गया और संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगर हवेली जिला पंचायत और 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद गठित कर दी गई थी। चांद को आज के दिन फ्रांस से मिली थी स्वतंत्रता। 11 अगस्त 1960 को चाड ने फ्रांस से आजादी हासिल की थी। चाड के झंडे का डिजाइन फ्रांस के ध्वज से प्रेरित है, जिसमें नीला रंग आशा, आकाश और दक्षिणी भाग में कृषि शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग देश के उत्तरी रेगिस्तान और सूर्य का प्रतीक है और लाल रंग स्वतंत्रता के लिए समृद्धि, एकता और रक्त भाव का प्रतीक है। चाड को दुनिया का बेबेल टावर भी कहा जाता है। चाड की आधिकारिक भाषाएं अरबी और फ्रांसीसी है। देश का नाम चाड विश्व की 17वीं सबसे बड़ी झील चाड के नाम पर रखा गया है, जो 1350 किलोमीटर में फैली है। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को आज के दिन दी गई थी फांसी। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल और कुछ महीने थी। यह बालक हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गया। खुदीराम ने मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को बग्गी में बैठा समझकर बम से हमला किया था, लेकिन बग्गी में वह नहीं था और दो अंग्रेज महिलाएं मारी गई थी। खुदीराम को फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे खास किस्म की धोती बुनने लगे थे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वह धोती पहनकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। फ्रांस ने आज के दिन की थी ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा। पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने 11 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इस युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की थी और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। युद्ध में जर्मनी की हार के पश्चात 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 27 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान जर्मनी को वर्साय की संधि मानने को विवश होना पड़ा था। इस संधि में जर्मनी पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों का परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 11 अगस्त दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृश्य, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशंसा प्राप्त होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का बोझ अधिक है। जिम्मेदारी को सजगता से निभाएं। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। अपनी सूझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला नीला।
कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है। सफलता के योग हैं। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%। आपके सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें। जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। विवाद से बचे। निवेश, यात्रा व नौकरी मन अनुकूल रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर के व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंतित हो सकते हैं। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामुनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। आप धार्मिक कार्यों पर काफी खर्चा कर चुके हैं और फिर से किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा। जोश के साथ काम करेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।